में कीर्तिमान है कि 75 लाख सूर्य नमस्कार करने का व्रत लिया और 10 गुना 7.5 करोड़ के साथ इसकी पूर्ण होती है। इसके लिए जोरदार अभिनंदन, आप सबके पुरुषार्थ को अभिनंदन है। आप सब सूर्य की भांति स्वस्थ पंथाम अनुचरे सूर्य चंद्र मसा विवा पुनर्दता अखनता जानता संगमे मही, ऐसी सभा पुरुषार्थ के धनी बालक है, ऐसे आप जीवन में आगे बढ़ते रहे। इससे पहले हमने आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार इससे पहले पूरे कर चुके हैं, उसके लिए भी अभिनंदन है। हम जो संकल्प लेंगे उस अपने कर्तव्य पर, अपने गंतव्य पर, अपने मंतव्य पर, और वो भी 100 करोड़ से अधिक संपन्न हुए थे, तो ये तो एक प्रतीक है। ऐसे जीवन में जो हम ठान लें, मैं दो वाक्य हमेशा कहता हूं, इसी को कहते हुए अपनी बात को पूर्णता की ओर आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ बोलेंगे विकल्प रहित संकल्प। क्या बोला? और आज सुबह मैंने बोला था, देखो बेटों के लिए तो रोजा ही बोलते हैं, आज बेटियों के लिए थोड़ी सी दो बातें बोलने का मन कर रहा है, क्योंकि मैं महात्मा फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, तो मैं सुबह कह रहा था थारे हरियाणा की कोई छोरी कोई बेटी मुख्यमंत्री बनी अड़े की अभी तक? बोलो, नहीं बनी। तो बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? देश के एक हरियाणा की क्यों बात, देश के अनेक प्रांतों की भी मुख्यमंत्रियां बहने होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश की सेना अध्यक्ष भी बहने होनी चाहिए, महिलाएं मातृशक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश की चीफ जस्टिस भी महिला होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे मुख्यमंत्री की बात क्या, देश की प्रधानमंत्री भी आगे फिर महिला होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और उसमें भी तुम ही क्यों नहीं होनी चाहिए? तो आप सब बेटियां ऐसा पुरुषार्थ करो कि आगे ये भाइयों को भी 20-30%, मैं पीछे बात चल रही थी, 30% आरक्षण दे दो, आगे इन भाइयों ने 30% में छोड़ देना, 70% तभी कब्जा कर लेना। ऐसा पुरुषार्थ करो आगे एमएलए एमपी सीएम पीएम सेना अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तुम ही बनो, हर क्षेत्र में तुम नेतृत्व करो, किसी विद्यालय के प्रिंसिपल हो तो बहन हो, किसी विद्यालय की कुलपति हो तो सुदेश जैसी बहन ही हो, जोरदार ताली ठोको बनी। हमारी बहन भी बहुत ठाड़ी है, बहुत मजबूत है, 3 कन्याओं से शुरू हुआ ये विश्वविद्यालय आज 6-7 हजार पर पहुंच गया है। और मैं तो चाहता हूं यहां से बेटियां जो अभी तक पढ़ करके गई हैं और जो पढ़ रही हैं वो इतना पुरुषार्थ करें कि एक एक बेटी कम से कम एक एक कमरा यहां पर बना दे और 10,000 बेटियां यहां पर आवासीय शिक्षा ग्रहण करें, ऐसा ये विश्वविद्यालय का विराट स्वरूप हो। ये तो एक की बात नहीं, बात शिक्षा की हो या चिकित्सा की हो, खेती हो या उद्यमिता की हो, हर क्षेत्र में आईटी की हो, अब तो विश्व की बड़ी बड़ी उन जिनका टर्नओवर लाखों लाखों करोड़ है, जिनकी मार्केट कैप 10-20 लाख करोड़ है, ऐसी कंपनियों को भी बहने चला रही है। आप में सब प्रकार का सामर्थ्य है, तो देश की मातृशक्ति आगे बढ़े, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में मातृशक्ति का नेतृत्व हो, और वो संकल्प आप बहने भी लेकर के जाए, कहीं बेटे जो है अपने भीतर कोई गुंठा ना पाल ले। इसलिए बेटो तुम भी ठाड़े बन के रहना, बराबर कंपटीशन में चलते रहना। एक बार बेटों के लिए मैं अभिनंदन, बहुत बालक यहाँ पर आए हुए, ये कोई कंपटीशन की बात नहीं है, हम तो हमेशा आत्मस्पर्धा की, आत्मानुशासन की, आत्म प्रेरणा आत्मानुशासन की बात करते हैं। हम सबको मिलजुल करके अपने जीवन को अच्छा करना है। मैंने कहा ना, जब हम महान बनेंगे हमारा भारत महान बनेगा, जब हम बलवान बनेंगे चरित्रवान बनेंगे शीलवान बनेंगे गुणवान बनेंगे और वैभवशाली बनेंगे, तब भारत शीलवान गुणवान चरित्रवान परम वैभवशाली बनेगा। इस संकल्प के साथ कि हम अब आज यहां से योग का व्रत लेकर के जा रहे हैं, और एक व्रत में और कराता हूं वो भी कर लो, स्वदेशी का व्रत। एक कंपनी ने देश को लूटा और फिर उसके खिलाफ हमें 100 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। क्या नाम था उस कंपनी का बोलो, जोर से बोलो। एक कंपनी के खिलाफ 100 साल तक देश लड़ता रहा और 5 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपनी शहादत कुर्बानियां दे दी, तब जाकर के स्वदेश को आजादी मिली, और वो तो एक राजनीतिक आजादी थी, अभी भी आर्थिक आजादी बाकी है, शिक्षा और चिकित्सा की आजादी बाकी है, सांस्कृतिक और वैचारिक आजादी। हम अपने संकल्पों
वचनों से, अपने व्रतों से, अपने दृढ़ निश्चय से और पुरुषार्थ से हम लेकर के आएंगे तो एक संकल्प ये भी लेकर के जाएंगे, हम स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे,